दोस्तों, कोई भी पर्सन जो जॉब करता है किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें PPF, EPF एंड GPF की बेसिक डिटेल एंड इनके बीच डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो प्रोविडेंट फंड की कई कैटेगरीज हैं, बट मेनली ये तीन टाइप्स के होते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टैक्स एग्जम्पशन के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। फर्स्ट है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF को 1968 में लाया गया था। इसमें कोई भी इंडिविजुअल पर्सन किसी रजिस्टर्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोल सकता है। एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। ये मिनिमम 15 इयर्स का इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसे लॉक इन पीरियड कहते हैं। 15 इयर्स के बाद आप इस इन्वेस्टमेंट को जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो, या फिर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, और हर अगले 5 साल पे दोबारा नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। PPF का इंटरेस्ट रेट एवरी क्वार्टर गवर्नमेंट सेट करती है। अभी करंटली PPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1%। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी के टाइम अगर आप PPF में ₹50,000 पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं, तो इस रेट के हिसाब से आफ्टर 15 ईयर्स आपकी अप्रॉक्सीमेटली 13.5 लाख की सेविंग होगी। अगर PPF में आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, तो एजुकेशन या कोई मेडिकल रीजन हो, तो आप इसमें ऐसे किसी कारण की वजह से टाइम से पहले भी विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप इसमें मिनिमम ₹500 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हो एनुअल बेसिस पे। प्लस पॉइंट ये है कि आप ये इन्वेस्टमेंट 12 इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। कोई भी इंडियन सिटीजन PPF अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर वो 18 प्लस नहीं है, फिर वो अपने गार्जियन के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकता है। इसमें कोई भी मल्टीपल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता। अब समझ लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने से टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। अगर टैक्स एग्जम्पशन की बात करें, तो PPF वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है इन्वेस्टर्स के लिए। आप इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख पर एनम इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स एग्जम्पशन के केस में इसे ट्रिपल ई एग्जम्पशन 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 कहते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के अंडर आपको हर साल 1.5 लाख तक PPF के डिपॉजिट पे आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। मतलब वो अमाउंट टैक्स फ्री हो जाती है। उसके बाद एवरी ईयर जो इंटरेस्ट आएगा, वो भी टैक्स फ्री होगा। और फाइनली आप जब विड्रॉ करोगे, तो वो भी टैक्स के अंडर नहीं आएगा। ओवरऑल ये एक टैक्स फ्री इनकम है। चलिए अब बात करते हैं EPF यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की। EPF एक रिटायरमेंट कम सेविंग स्कीम है। इसके एलिजिबिलिटी की बात करें, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां मोर देन 20 एम्प्लॉयज काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन में वो एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 15,000 और लेस देन 15,000 है, EPF उनके लिए मैंडेटरी है। बाकी इंप्लॉयज भी ये स्कीम यूज कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसकी मैच्योरिटी तब होती है जब पर्सन 58 ईयर्स का हो जाता है। अगर अकाउंट होल्डर 2 मंथ्स या इससे ज़्यादा टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो भी इसे क्लोज किया जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें किसको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस, इम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों इम्प्लॉय की सैलरी का 12% EPF में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी EPS में एंड 3.67% EPF में जाएगा। कोविड 2020 के टाइम 3 मंथ्स के लिए ये कंट्रीब्यूशन रेट 10% कर दिया गया था। फॉर वुमेन एम्प्लॉयज ये कंट्रीब्यूशन रेट 8% है पहले 3 साल तक। चलिए इसकी टैक्स एग्जम्पशन देख लेते हैं। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 80C एप्लीकेबल है, जिसमें 1.5 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन है। बट 1 अप्रैल 2021 के नए रूल के अकॉर्डिंग EPF भी टैक्सेबल हो सकता है, अगर कंट्रीब्यूशन अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में 7.5 लाख क्रॉस कर जाता है तो। बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, एट करंट टाइम जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है। चलिए बात करते हैं GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की। GPF भी एक रिटायरमेंट कम सेविंग स्कीम है, जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। ये GPF अकाउंट एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट तक चलता है। सस्पेंशन और रेजिग्नेशन के केस में भी ये अकाउंट क्लोज हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें कितना कंट्रीब्यूशन होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी सैलरी का एक पोर्शन GPF अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, जो कि मिनिमम 6% से मैक्सिमम 100% तक हो सकता है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो GPF के लिए हर परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल है। टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता है, बट 1 ईयर की सर्विस के बाद। चलिए देख लेते हैं कि इसमें टैक्स एग्जम्पशन कितनी होती है। GPF भी एक टैक्स फ्री रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, तो सारा कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट अर्न्ड एंड फाइनल अमाउंट 80C के अंडर टैक्स एग्जम्प्ट होते हैं। GPF के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो एट दिस टाइम ये 7.1% है। चलिए अब इस वीडियो को समराइज करते हैं।
PPF उन सब के लिए है जो इंडियन सिटीजन हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही हो, बट EPF प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए है एंड GPF सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है। और प्री मैच्योर क्लोज की बात करें तो PPF के केस में ये आफ्टर 5 ईयर्स ही अलाउड है, वो भी किसी स्पेशल रीजन पे, जैसे कि चिल्ड्रन की एजुकेशन या मेडिकल रीजन। EPF को तब प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है जब अकाउंट होल्डर 2 months या उससे ज़्यादा के लिए अनएम्प्लॉयड रहता है। GPF में प्री मैच्योर क्लोज रेजिग्नेशन या सस्पेंशन पे ही पॉसिबल है। मैच्योरिटी अगर देखें तो PPF में आफ्टर 15 ईयर्स होती है। EPF की मैच्योरिटी तब होती है जब पर्सन 58 ईयर्स का हो जाता है और GPF की मैच्योरिटी एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट तक होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।